good. Oh, yeah. Oh my. मैं अभी ऑफिस आया था, पूरा पोपट हो गया आज। मतलब मैंने लिस्ट में देखा ही नहीं, क्योंकि मतलब लिस्ट में था ही नहीं, क्योंकि एक छुट्टी हम लोग संडे पड़ा था। उसके बाद अभी मतलब यहाँ पे आके देखा सारे डोर वोर ऑफिस का सब कुछ बंद है। फिर मैंने बॉस को फोन किया, बॉस ने बोला कि आज छुट्टी है। पहले मैं कार पार्किंग में आया था कि सर सिर्फ तीन ही गाड़ी है पार्किंग, तब मेरा खटका मेरा तीन गाड़ी कैसे है। फिर आके देख रहा हूँ कि अरे यार अननेसेसरी, क्या बताए, पूरा पोपट हो गया। तो ये तीन गाड़ी देख के मुझे डाउट लगा, क्या करे यार इतना बड़ा पोपट हो गया था। पूरा टिफिन उफिन डब्बा वब्बा ला के पूरा सब बेकार, अननेसेसरी। थोड़ा और सोने को मिलता, छुट्टी का दिन था। मैं अभी देख रहा नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, हाँ दिया हुआ है। अभी मैं हॉलीडे का लिस्ट देख रहा हूँ, हाँ दिया हुआ है, लिखा हुआ है छोटा सा। मैंने ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल हम लोग को गुरु नानक जयंती में छुट्टी रहता नहीं है। अभी मैंने देखा कि 25 दिसंबर संडे पड़ रहा है, उसके अगेंस्ट में आज छुट्टी दिया हुआ है। यार इतना बड़ा पोपट मेरा आज तक नहीं हुआ। अभी थोड़ा सो लेते हैं, छुट्टी तो मिलता नहीं है नॉर्मली। अब क्या करे, नसीब में आज नींद आज था ही नहीं एक्चुअली। चलो हमारे यहाँ पे एक वड़ा पाव मिलता है, आज इस पोपट का अवसर में वड़ा पाव लेते हैं। एक पे चलो चलेंगे, चलो चला था मेरे को देना बाद में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफिस आके घर लौट रहा हूँ, ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ है। वो भी सुबह सुबह, मतलब नींद खराब करके, छुट्टी एकदम वेस्ट करके, अननेसेसरी। कुछ काम भी होता तो ऑफिस के चलो मान लेते कि छुट्टी के दिन में ऑफिस आने पड़ रहा है, लेकिन ये बिना काम का ऑफिस आके फिर लौट के जाना, इससे बड़ा पोपट और क्या हो सकता है। वाह शांतनु जी वाह। चलो रे बाबा चलो जल्दी, मुझे घर जाना है, छुट्टी के दिन में मैं ऑफिस आ गया। क्या बताए, खुद ही को बोलने की इच्छा हो रहा है, वाह शांतनु जी वाह, तुमसे बड़ा पोपट और कौन हो सकता है। क्या मतलब है यार, हंसी भी आ रहा खुद पे। बहुत बड़ा भी सरप्राइज मिलने वाला है। पोपट हो गया आज, बड़ा पोपट हो गया। पोपट हो गया, क्या हुआ? बहुत बड़ा, जिंदगी में इतना बड़ा पोपट नहीं हुआ। छुट्टी है, मुझे उठा के उस गम के मारे वड़ा पाव लेके आया। ऑफिस गया, जाके देखा कि तीन गाड़ी है। मैं थोड़ी कि मैं जाके देखा कि डोर बंद है। बॉस को फोन किया। सुबह उठ जाओ। अरे शांतनु का मैं आज छुट्टी का भी छुट्टी है, मैं कब से बोल रही हूँ शांतनु का, कल लेट सोई ना मैं, 2 बजे सोई थी, मैं सो गई थी, मैं बोला सो गया मैं ऐसे करके, वो भी सोया कैसे ऐसे, अब छुट्टी है, मैं बोला चलो छुट्टी है एक दिन, फायदा तो उठा जा, लेट भी हुआ ना कल, शांतनु सो गए थे, उसके बाद मैं सोई 2 बजे सोई, 1:30-2 बजे पूरा छुट्टी गया अननेसेसरी। सुबह करके उसके बाद रह जाते बाबा, बोलते कल नहीं आज नहीं होगा, थोड़ी होगा वैसा, थोड़ी होगा आज आ गया तो कल नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ी होता। चलो तो टाइम पास करो, चाय पियेंगे, चलो चाय पी, वड़ा पाव लेके आया तुम्हारे लिए स्पेशल वड़ा पाव। हम लोग का कभी नहीं रहता छुट्टी, नहीं रहता कभी, छुट्टी होना चाहिए, कभी नहीं रहता, दिल्ली वाले ऑफिस में छुट्टी रहता है। हाँ दिल्ली में रहता है, जैसे यहाँ पे हम शिवाजी जयंती में छुट्टी रहता है, बाकी सब में रीजनल है सर, रीजनल रहता है, दिल्ली ऑफिस में छुट्टी रहता है ये। एक्चुअली ये तुम्हारा क्रिसमस संडे पड़ा है ना, उसी का छुट्टी आज दिया है एक्स्ट्रा, जो देखना चाहिए था ना। अभी ये सीख मिल गया, जब भी छुट्टी का छुट्टी रहेगा मैं मेरा हॉलीडे लिस्ट चेक करूंगा। चेक भी नहीं किया, कल एक बार बोला कितने बार, बॉस हंस रहे थे, बोले क्या यार तू, सबको पता है सिर्फ तेरे को पता नहीं है, दिमाग में इसका क्या, बॉस भी सोचा कि ये कलाकार आदमी है, इसको मिला है, बाप रे ये छुट्टी के दिन भी ऑफिस चले जाते हैं। सोचो डब्बे से निकलो,
घर का ऑफिस में आ जाओ। डब्बा आज तुमको डब्बे का खाना खिलाएंगे, गरम करने देंगे जिसको यहाँ पे। डब्बा लेके गया, चाय बना दो तुम्हारा तो थोड़ा। अब माथा में हाथ देके कोई फायदा सोने नहीं है। तक नहीं दिया सिर्फ तो मुझे मेरा हाँ तो, और मैं मेरा साला सोते सोते ऑफिस गया। फिर तुम्हारा दिमाग ही खराब है। मेरा तो चाय बना दो, थोड़ा भी दिमाग का बत्ती ठीक करते हैं। मैं सोचा आज छुट्टी का छुट्टी है, मैं कल रात से सोच रही हूँ छुट्टी का छुट्टी है तो सुबह में सोऊंगी, इसलिए मैं कल लेट करके काम भी किया। मेरा मोबाइल से मेरा हॉलीडे लिस्ट क्यों नहीं चेक किया? गलती तुम्हारा है। गलती तुम्हारा है, छुट्टी का कभी नहीं चेक करना। हाँ फिर वो जिनका हॉलीडे उन्हीं का चेक करना है भाई। हेलो भाई, गरम करने दे दिया। आज तुमको गरम लंच खाओगे? हाँ आज तुमको मैं गर्मा गर्म लंच खिलाऊंगा। शांतनु बोले तुम खुश नहीं हो? मैं बोलो खुश क्यों, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। कितना अच्छा, ऑफिस नहीं जाके घर आ गया, मैं सोचा कि मर्जी करेगी उल्टा। तो गुस्सा नहीं है दरवाजा खोला उसका ऐसा। सुबह में तुम वो तुम छुट्टी लेके अचानक आ जाते, वो होता है हर एक छुट्टी का दिन मिलता नहीं है, ऐसे सिर्फ संडे छुट्टी मिलता नहीं चाहता। अरे सबसे बड़ा पोपट तो मेरा। हाँ सुबह से उठल पटल करके मेरा नींद खराब, खुद का नींद खराब, से छुट्टी मिलता नहीं है। ऐसे सिंगल वाला छुट्टी क्या होता है सोचो। अभी और इस साल और छुट्टी नहीं है। देखो तब ये लास्ट छुट्टी था, ये था लास्ट छुट्टी। ए बाबा 25 दिसंबर वो तो संडे है, वो संडे तो एक ही दिन शांतनु को संडे सिर्फ छुट्टी रहते। शांतनु के दोस्तों का मैक्सिमम तो सैटरडे भी छुट्टी रहते। क्या कर ये देखो क्या लाया, क्या देखो। अरे बॉस क्या व्यू दे रही है सुबह सुबह मॉर्निंग। गम भुलाने के लिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो बड़ा पाव, ये सब खाते हैं। बड़ा पाव भाई मुंबई का शान है। बान, बान और शान। कैसा रहा तुम्हारा छुट्टी का बड़ा पाव? कैसा मस्त मजा आ रहा है। तू यहाँ पे बैठ बैठ के लुत्फ उठाते हो आज? मैं पानी पीती हूँ यहाँ पे बैठ के। बड़ा पाव उसके साथ एक मिर्ची भी लिया है। बहुत अच्छा बना है, घर में जरूर ट्राई करना। अच्छा ही बना है, लेकिन मेरा वाला जैसे कोई ट्राई मत करना। आज सुबह सुबह पोपट ही पोपट। मैं आज बैठ बैठ के झाड़ू दे रही है, क्यों? पूरा निगेटिव एनर्जी था वो निकल गया। क्या हुआ? पूरा हाथ से रख दो उसने ऐसे पानी पी के ग्लास को उतार किचन पे रखने के लिए आ रही थी, हाथ पे दुम करके ऐसे ही गिर गया। एनर्जी था ना मेरे बॉडी सब निकल गया, नेगेटिव एनर्जी निकल गया। लूनर इक्लिप्स है ना, इसलिए उसका इफेक्ट है लूनर इक्लिप्स का। पूरा अच्छा वाला ग्लास था, एक ही ग्लास है अभी, छोटा वाला और नहीं है। ये बहुत वो वाइन कलर वाला था ना, छोटा वाला, बहुत मोटा वाला ग्लास देखा, चूर चूर हो गया है अभी, थोड़ी गिरता है। बाकी सब जगह सिर्फ यही थोड़ा बड़ा पीस है, बाकी सब एकदम चकना चूर है। मोटा कितने था? 5 साल पहले का होगा, 5-6 साल। ये जो फ्लोरिंग है इतना हार्ड है ना, कुछ भी गिरेगा ना वो टूटेगा, मतलब तुम भी अगर गिरोगे तो हड्डी भी टूट जाएगा, इसलिए पैर पे दर्द ज्यादा होता है। अगर खाली पैर नंगे पैर चलोगे ये 5-6 साल का ग्लास था, टूटेगा तो ही तो नया चीज आएगा, वो तो होगा। ये तो तोड़ना जोड़ना लाना वो तो पार्टन। और निकालो, और निकालो सामान, निकालो निकालो निकालो। क्या क्या टिफिन पूरे दिन पे क्या लेके जाते? केला, सुबह में जाके ब्रेकफास्ट करने वाला था, 2 बिस्किट, ये आटे वाला बिस्किट। देखो कितना अच्छा बीबी है, इतना सब कुछ दे, पानी का बॉटल, वही तुलसी पत्ता दिया हुआ क्योंकि आज का है ना। पियो पियो पियो। सर ठोकने का मन क्यों कर रहा था सोचो, हैप्पी हो जाता है। वाह मेरा पति आज आ गया, जल्दी जल्दी आ गया। हाँ जल्दी जल्दी आ गया, जल्दी आ गया, एक दिन छुट्टी को नष्ट करके उसके बाद आ गया। पूरा घर अंधेरा है और चंद्रमा का कार्यक्रम के वजह से, चंद्र ग्रहण के वजह से पूरा दिन। क्या था, क्या बस्ट क्या हुआ पता नहीं, वहाँ पे पहाड़ पे पता नहीं क्यों ये वाला जल गया। कितना सुंदर था, हरा भरा, हरा नहीं एटलीस्ट गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, काला दिख रहा था। यहाँ पे आग ऊपर में चल के खत्म हो गया, अभी नीचे में थोड़ा थोड़ा जल रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था गोल्डन गोल्डन। ये काला काला भी दिखेगा, हाँ तो अंधेरे में वीडियो शूट करो। हाँ अभी देखो 10 रुपया का बिल, 5 रुपया का बिल ऊपर का, ये सब LED लाइट है, 50 रुपया का। वीडियो शूट के लिए लाइट जरूरी होता है शायद, किसी किसी का मतलब दिमाग कहाँ रहता है पता नहीं, उनको पता ही नहीं है वीडियो के लिए लाइट साउंड ये सब बहुत जरूरी है। साउंड से ज्यादा मुझे लगता है लाइट बहुत ज्यादा। रोल ऑन कैमरा, लाइट्स, एक्शन।
चंदा मामा मुंह क्यों कर रहा है? हाँ हाँ फ्लाइट जा रहा है चंदा मामा। अच्छा, आज पूरा दिन काम किया लेकिन वो बैकग्राउंड में काम जो दिखेगा नहीं, लेकिन ये तकिया वकिया ठीक करो भाई, सोया भी नहीं इस चक्कर में, सोना भी नहीं दिए। शांतनु बोले सोते नहीं है, सोते नहीं है, पढ़ा कि सो भी नहीं सकते। तो सूजी क्या करे दादाजी, किधर है? थोड़ा सा बाकी, अरे थोड़ा और पहले और थोड़ा था। चंदा मामा दिखेगा किसी जगह का लाइट लेकर है, लाल है एकदम, उसका गोला जैसा लग रहा है। राइट हैंड कॉर्नर में अर्थ का शैडो है, शैडो तो मैंने हाफ देखा था, अभी थोड़ा और कम, लाल ऑरेंज बिंदी वाला फेस गया ये। आप लोग देखो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, आँखों के सामने फटाफट सावधान, मेरा मोबाइल आईफोन इधर गिर जाएगा मेरा। नहीं भाई कुछ काम नहीं हुआ, अरे इसको देखो इधर हटो हटो, तुम शोपीस के जैसे उसको पोछा लगाऊंगी, इसीलिए देखो चढ़ा के किधर रखा है। मेरा फ्रेंड का बाय करती थी वो सारे सब कुछ, ये डाइनिंग टेबल का चेयर वगैरह, ये पता नहीं, लेकिन डाइनिंग टेबल का चेयर सुना था ऊपर में, उसने बोला था भाई मैंने देखा नहीं, रहने दो तुमको उठाने का बोला मैंने, पूरा घर अंधकार कर रखे थे। और स्वीटी तुम क्या कर रहे थे पूरा दिन? स्वीटी को बोला स्कूल का बुक्स मत पढ़ना, अभी वाबी शाबी पढ़ रहा है। चलो बच्चा कैसा है ये ग्रीन? आज है ग्रीन वाला, ये ग्रीन है या येलो है? ग्रीन, ये तो मुझे कैमरे में येलो दिख रहा है। 7:45 ऐसा बज रहा होगा, चंद्रमा का हालत देखते हैं फिर से, भी तो एकदम पूरा सूर्यदेव के जैसा लग रहा है एकदम, उसका देखो दाग भी दिख रहा है चंद्रमा का काला काला, आग का गुला जैसा लग रहा है। और आज गाड़ी भी बहुत कम चल रहे हैं, अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत चल रहा है, सुबह से आज संडे संडे लग रहा था। Just say you want me to, we got nothing to lose, you're looking so old, अंधेरा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता ये वाला डायरेक्ट, मतलब ऐसे डायरेक्ट, ये वाला स्विच वाटर प्यूरिफायर का है, ये एक पॉइंट था उसको खुलवा के दूसरा लगाया सिर्फ पॉइंट, ये इसको क्या ऑन करेगा, मुझे करना पड़ेगा। कैमरा को अंधेरा पसंद नहीं। आज है नेक्स्ट डे, कल मैंने और कुछ नहीं किया क्योंकि कल इतना थकान, पूरा दिन ऑलमोस्ट फास्टिंग जैसे हो गया था, थकान हो गया था, तो इस वजह से कल तो कुछ नहीं हुआ। सुबह से तो वही घर का जो कार्यक्रम होता है, अभी 6:15 तो अभी फिर से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही, पता नहीं शायद कल फास्टिंग दिया, मतलब होता है ना ये मून से, मून के साथ मेरा शायद एक दोस्ती या क्या हो पता नहीं, मतलब पूर्णिमा में मेरा बॉडी थोड़ा सा अलग फील देता है, इस बार तो मतलब ग्रहण था उस वजह से। ये बोलो मस्त लग रहा, देखो वो वाला घास जैसा, शांतनु उसको बोल रहा था घास जैसा, बस दिखने में बहुत सुंदर ना, देखो तो गोलू मोलू सा, ग्रोसरी वगैरह बहुत सारे कुछ नहीं है। और स्वीटी का स्कूल का टिफिन के लिए भी कुछ लेना था, वही देखते हैं अभी। हाँ मेरे साथ साथ आ रहा है गाड़ी के साथ साथ, पर मैं मैंने सो लिया ना अभी रात को ना, नींद बेचारा सोचेगा अरे नहीं आता है, नींद नहीं आते इसीलिए, इसीलिए मैं तो दोपहर में बहुत रियली क्या गिन रहे हो, क्या गिन रहे हो? गिनो गिनो गिनो, कुछ भी ले लेना, कुछ भी ले लेना, ककड़ी भी लेना। बंगाली आलू देख के लटक जाता है, छोटा आलू, बड़ा आलू, मझारी आलू, शुगर फ्री। हाँ ये मैंने देखा, देख शुगर फ्री आलू, ये क्या होता है? चलो भाई मस्त शॉपिंग दो बैग कर लिया, सोयाबीन लिया बहुत दिन, सोयाबड़ी थोड़ा धोने का, धोबी भात का सामान लिया, और कुछ बाकी है? टिश्यू पेपर, टिश्यू टिश्यू टिश्यू, हाँ एक स्मॉल ले लो, वो इधर में होगा स्मॉल। जल्दी करो, जोर से भूख लग गया है, चाय का तलब जबरदस्त लग गया, चाय पीना है? चाय तो पिलाओ। अरे थम्बा थम्बा, हाँ ये ना झाड़ू पोछा है एकदम साफ सफाई करके छोड़ेगा, बेचारा नींद में सो रहा था, आ जाओ तुम्हारे पीछे जाके, तुमने उसका नींद तोड़ दिया, तुमने उसका नींद तोड़ दिया, आ जाओ आगे तुम्हारे पीछे आके फिर से सो गया। हेलो हेलो,
चलो बाय 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 सो जाओ। शंकर को धोबी बोलते थे, आज इसको स्वीटी को हम लोग क्या बोलते थे, धोबी। कपड़ा देने की जिम्मेदारी स्वीटी का है, मतलब जब उसको मौका मिलता है। ये क्या है और ये गोदी में क्यों बेचारा वो तुम्हारा हेल्पर भी क्यों ये लाके देता है, है? हाँ। अरे बस हेल्पर अंदर घुस गया है? तो हेल्प कैसे करेगा, काम हो गया। अच्छा उसका काम हो गया वो अंदर घुस जाते। ये एक्चुअली वॉश करने के लिए मैंने रखा, मैं बोला टॉयज को बाद में वॉश करना, कपड़े के साथ। एक कपड़े के साथ बेचारे का घुटन होगा, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ वॉश होगा तो मस्त रहेगा। चलो जाओ। हाँ फाइनली कल के बाद आज 24 घंटे बाद उसके बाद फाइनली चाय मिल गया। अरे कल ग्रहण के चक्कर में लेट हो गया तो शांतनु लोग पहले खाना खा लेते हैं। आजकल मक्खन भी मिल रहा है, आज मक्खन भी मिल रहा है। अच्छा शांतनु को मक्खन मिल रहा है, कुछ स्पेशल चीज के लिए मिल रहा है। अरे वो तो आने वाले दिन मालूम चलेगा, मैत्री कुछ धमाका देने वाली है, उसके लिए मक्खन लाया गया है। न्यूज कब मिलेगा? चलो आई एम एक्साइटेड। अरे आलू ले लो, केला ले लो, ऑरेंज ले लो, मेथी ले लो, मेथी हाँ दे दो दे दो ले लेंगे। स्वीटी के स्वीटी अपना अपना धंधा में। हाँ चॉकलेट एंड कॉफी स्प्रेड हनी है ऐसे। आज आज ऐसा दुकान वाला है जो हर एक माल रखा है, सरसों का तेल लेके सनफ्लावर ऑयल सब कुछ दाल, सिर्फ चावल नहीं है। अभी इसका पैकेट खुला भी हो गया है। कॉफी का स्मेल आ रहा है या चॉकलेट का स्मेल आ रहा है? किसके च्यवनप्राश? ओह माय गॉड, बहुत महीनों बाद ये खाएंगे। हाँ क्योंकि यहाँ पे गर्मी है भाई, वाटरमेलन ठंडी का ठौ भी नहीं है, तो स्ट्रॉबेरी ले ही लिया। हाँ फोड़ दे इसलिए गर्मी के लिए। हाँ ऐसे करके फोड़ के फिर वो खा लें, उसके बाद फोड़ के हाथ में ये करके खा लें। वो दिल है कि मानता नहीं, मैं वो ये खाता था ना, काजू किशमिश हो गया दिवाली वो अलग डब्बे में रख के मैंने अपना चाय, तीनों में चाय रखा है, डिफरेंट खुशबू वाले, ये हर्बल टी कुछ अलग। हाँ कुछ ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा। हो गया। आप लोग देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं सामान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane, and as the light startled our eyes, we let go. Pan में sesame oil, अगर किसी को पसंद नहीं है तो sunflower oil या olive oil आप दे सकते हो। Chopped garlic और ginger, हल्का सा जस्ट फ्राई करने के बाद स्लाइस अनियन, और ये फ्राई होने के बाद गाजर, बेबी कॉर्न जस्ट थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल काट के, हल्का सा सौते करने के बाद चिकन कीमा देखिए इसको हाई हीट है अभी कुक करना है। फ्राई फ्राई होने के बाद अंदाजे से सॉल्ट, पहले सॉल्ट मत दीजिएगा तो ऑलरेडी पानी निकलेगा, तो जस्ट थोड़ा सा ड्राई ड्राई करना है। कुक राइस के साथ मैंने अंडा और सॉल्ट को मिक्स किया था वो देना है, और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, जस्ट कुक करना है जैसा अंडा कुक हो जाए, ऑलरेडी राइस तो कुक है, हाई हीट में लेकिन करना है। ऑलमोस्ट जब भुनना हो जाएगा, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च, काली मिर्च पाउडर, कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम दोनों, और अगर पॉसिबल होगा तो मिले तो स्प्रिंग अनियन जरूर डालना, और इसको जस्ट मिक्स करके उतार लेना है। ऑसम, दिख के बहुत सिंपल लगेगा, लगेगा कोई मसाला नहीं है, खा के देखना पता चलेगा। स्वीटी को ये बहुत पसंद है, वन पॉट मील एकदम इतना टेस्टी होता है देख के लगेगा। वन पैन मील, हाँ पैन मस्त बनाया, घर पे जरूर ट्राई करना भाई। कैसे बनाया? जरूर ट्राई करना। क्या पढ़ाई चल रही है अभी खाना खाने के बाद? कान में डाल के? अरे नहीं रे, खड़ा होके कौन पढ़ता है अभी? अरे वो लास्ट का एक बाकी था। हाँ ओ ये कान में लास्ट मंथ पे वो भी देखो, कान में डाल के पढ़ाई चल रहा है। कान में डाल के कौन पढ़ाई कर रहा है? स्वीटी के घर में इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? हाथ में कैंडल डाल के घूम रही है। मैं बोला कैंडल जलाने के लिए लाई थी, इतना अच्छा ऑरेंज ऑरेंज। हुआ टेबल अपना ठीक से साफ करके अरेंज करके फिर सोना ठीक है। ये हरा भरा चीज है, किसी भी जगह पर रखो अच्छा लगे। गुड नाइट टच नहीं करूंगी बोलते रात को, बहुत ही टच नहीं करना चाहिए। सारा सामान इसके अंदर अभी रखती हूँ, बाद में सब अरेंज करूंगी, इसीलिए ऐसे बोल भी रख दिए। यहाँ पे ये सारे छोटा छोटा एक प्लांट रखा है, नीचे एक प्लांट है, और नीचे का दृश्य इस तरह से है। शांतनु सो गए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, हमारे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, भी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।